आप में से हर लोग GFX टूल ढूंढते हैं एंड यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे हो चाहे कहीं पे भी हो, यहाँ पे 1,000 से भी पता नहीं कितने ज़्यादा GFX टूल पड़े हुए हैं जो कि किसी काम के नहीं है। एंड आप लोगों में से हो सकता है कि बहुत लोग GFX टूल यूज़ कर चुके हों, बट मैं आज आपको पेड GFX टूल फ्री में दूंगा एंड उसकी कुछ सेटिंग्स बताऊंगा एंड इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं लास्ट टाइम बताऊंगा। सबसे पहले इसकी मैं सेटिंग्स आपको बताता हूँ। ये GFX टूल रियलिटी बता रहा हूँ, वर्किंग है। मेरा जब फ़ोन चलने लगा तो मैं समझ गया कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा अपडेट मांग रहा है। सबसे पहले इसमें आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल जाता है जो कि क्लियर रैम है। जितने भी बैकग्राउंड में ऐप्स चलते हैं उन सभी को बंद करता है, ठीक। इसमें मतलब कई फायदे हैं, आप लोगों को मैं बारी बारी करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है भाई आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। बाकी नया हो चैनल पे लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पे सिंपल से सबसे पहले तो आपको ये गेम को बूस्ट कर देता है। बूस्ट मतलब एक तरीके की ताकत दे देता है, ठीक है। दूसरा, यह आप लोगों को GFX जो है कई सेटिंग्स आपको देता है। इस सेटिंग्स को आप लोगों को सिंपल से जो सबसे पहला है उसको आपको स्मूथ पे करना ही करना चाहिए। एंड सेकेंड, अगर हम रिजोल्यूशन की बात करें तो वो आपको, अब गाइस जो रिजोल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए इसको 360 या थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से ज़्यादा ऊपर बेकार होगा। FPS भी आप जितने हैं, बाकी आप अपने सेटिंग अपने हिसाब से इन सब कर लीजिएगा। इसके बाद एडवांस सेटिंग जो होगी वो मैं अपडेट नहीं किया हूँ, बट इसमें एक तरीके का पूरा पूरा हैकिंग टाइप का आता है, बट आपको इसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क मॉनिटर, रैम मॉनिटर, बैटरी मॉनिटर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ध्यान देना यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैंने जो जो चीज़ें ऑन की हैं वो चीज़ें ज़रूर ऑन करना, जैसे कि आप लोग समझ सकते स्टाम ड्यूअल चैनल नेटवर्क, ये ब्राइटनेस लॉक, और यहाँ पे ओवर हीटिंग अलर्ट आप नहीं भी ऑन करो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर गर्मी पड़ रही है तो ओवर हीटिंग अलर्ट भी आप ऑन कर सकते हो। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग ऑन कर लो, क्योंकि इसमें एक चीज़ मैंने देखा है कि इसमें आप लोगों को सब गेम तो बूस्ट करता ही करता है, आपको नेटवर्क को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद आप टैप टू अप्लाई पे क्लिक करते हो जब, तो यहाँ पे आपके गेम्स को जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, आप कौन सा गेम में जाना चाहते हो, तो वो भी ईजी माई में आपको क्लिक कर देना है। उस पर टैप टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है फिर से, ठीक है, एड्स आने के बाद। एंड यहाँ पे एक बार फिर से आपको क्लियर हियर टू, यहाँ पे कुछ ऐसा खोलेगा, फिर आपको बैक चले जाना है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। फिर उसके बाद एड्स आते हैं, फिर उसके बाद लॉन्च गेम पे, जब आप लोग लॉन्च करते हो तो इसका मतलब क्या है कि गेम आपका लॉन्च मतलब कि चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे ये आपको रैम को भी हेल्प करता है, ठीक है। आपके मतलब जो नेटवर्क अगर इशू आता है तो 2-4-5% उसको भी हेल्प करता है, एंड कई चीज़ें और हेल्प करता है। हीटिंग अलर्ट भी दे देता है अगर आपका गेम हीट हो चुका है कि अब बस आपको इससे ज़्यादा नहीं खेलना, तो उसमें भी आपके फ़ोन से पहले वो अलर्ट दे देगा कि भाई अब चुपचाप बैठ जाओ, अब गेम ज़्यादा मत खेलो, ठीक है। एंड कई चीज़ें और चीज़ें हैं, तो मतलब कुल मिला कि ये आप लोगों को नुकसान तो नहीं करेगा, अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो फ़ायदा तो पहली बात मेरे ख्याल से इसमें तो मुझे बहुत देखने को मिला, पर्सनली आपको क्या देखने को मिलता है मुझे नहीं पता। बात कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा ये पेड वर्जन, अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हो तो ये पेड वर्जन में आपको देखने को मिलेगा, बट अगर हम बात कर लेते हैं ये GFX टूल आप लोग कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, तो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता ही देता हूँ वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप। अब बड़े भाई यहाँ पे आपको कोई भी क्रोम पे चले जाना है, यहाँ पे जस्ट वहाँ पे सर्च कर देना है GFX टूल प्रो फॉर BGMI मोड APK। इतना आप सर्च करते हो तो आपको पहली या दूसरी वेबसाइट, मतलब आप कोई भी वेबसाइट पर क्लिक करके आप जो है, जैसे कि मैंने दूसरी या पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कई कई बार ये चीज़ दिखाता है कि आपको कुछ और चीज़ ऐप डाउनलोड करा देता है, तो थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है इसको डाउनलोड करना। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी जैसे कि इसका पहला वेबसाइट जो है वो मुझे लग रहा है फेक है, तो जब हमने डाउनलोड इसको किया तो देखने को ये मिला कि ये वेबसाइट जो है बिल्कुल ही फेक लग रहा था, ठीक है, ये मुझे कहीं और डाउनलोड करना। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो दूसरी वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन मुझे लगी। तो दूसरी वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वो पूरा ही पूरा यही के मतलब ऐप की थी, देखो ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ बैटल GFX, तो यहाँ पे पूरा ही आप लोगों को बैटल GFX देखने को मिल रहा था, फास्ट डाउनलोड, डाउनलोड एनीमे। एंड जस्ट आप लोग नीचे जाते थे तो आप लोगों को कई चीज़ें, तो कुल मिलाकर अगर आप लोग गलत वेबसाइट पर घुस जाते हो तो ये हो सकता है कि आप लोग परेशानी कर सकता है, ठीक है। ये वेबसाइट तो काफ़ी ठीक ठाक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि वीडियो पे अगर आप लोग नए एंटर कर चुके हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी आपको हेल्पफुल वीडियो
हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे हम लोग जो भी हैं सब लोग मिलके, चाहे किसी का लो रैम हो, चाहे किसी का नेटवर्क बेकार हो, चाहे किसी का लैग हो, एंड साथ ही साथ बीजीएमआई अनबैन से रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो कुल मिला के ये चैनल आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, बीजीएमआई इंडिया के बारे में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो साथ, तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अदर वीडियो।